फ्रेंड्स मार्केट के अंदर आज बहुत सारे बॉन्डिंग एजेंट आते हैं बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं कोई फोर्थ जनरेशन बनाता है कोई सिक्स जनरेशन बनाता है कोई एट जनरेशन बनाता है और अगर आप उनके मार्केटिंग एजेंट से बात करें तो सब कोई अपने बॉन्ड को अच्छा बताएगा तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपको अपने क्लिनिक के अंदर कौन सा बॉन्डिंग एजेंट इस्तेमाल करना है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एजेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उनकी क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है ताकि आप एक राइट बॉन्डिंग एजेंट अपने लिए परचेज कर सको हाय मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट के कंपोनेंट्स को देखा था हमने देखा था कि डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट हमें आखिरकार चाहिए क्यों और उन कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन होता है अगर आपको नहीं पता कि कंडीशनिंग क्या होती है एचिंग क्या होती है प्राइमिंग क्या होती है एडहसिव का मतलब क्या है तो आप पहले वो हमारी पुरानी वीडियो देखिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ा है पहले देखते हैं कि हमें बॉन्डिंग एजेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं सेकेंड है कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स को डिक्रीज करना चाहते हैं ताकि टाइम सेव हो सके एंड थर्ड है कि हम बॉन्डिंग को लेस टेक्निक सेंसिटिव बनाना चाहते हैं आज तक बॉन्डिंग एजेंट की सेवन जनरेशन आ चुकी है एंड कुछ लोग यूनिवर्सल बॉन्ड को जनरेशन बोलते हैं 1960 से हम सिस्टम को यूज करते आ रहे हैं एंड उस समय सिर्फ इनेमल को एच करते थे एंड स्मियर लेयर में अवेलेबल कैल्शियम से चिलेट कंपाउंड बनाकर एडेसन अचीव करते थे सेकंड जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट आए इस समय भी सिर्फ इनेमल को एच करते थे कैल्शियम आयन के साथ स्मियर लेयर में इंट्रैक्शन करके बिस जीएमए के साथ पॉलीमराइज करा देते थे फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में काफी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ थी सिर्फ तो दो से आठ मेगापास्कल जिसके कारण बॉन्डिंग फेल हो जाती थी एंड अब उसे यूज नहीं करा जाता 1980s में थर्ड जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट आए एंड इस समय सिलेक्टिव एच का कंसेप्ट आया एंड फोस्फरिक एसिड से एच एंड रिंस कराया जाता था डेंटिन को सेपरेट कंडीशन एंड प्राइम कराया जाता था क्योंकि ये मल्टी स्टेप था तो इसको आज के टाइम में यूज नहीं करते 1990s में फोर्थ जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट आए एंड इस वक्त टोटल एच कंसेप्ट आया मतलब डेंटिन एंड इनेमल को दोनों को एच करा जाता है डेंटिन को एच करने से स्मियर लेयर रिमूव हो जाती है एंड रेजिंग टैग्स काफ़ी डीप चले जाते हैं टिब्यूल्स के अंदर फोर्थ जनरेशन सिस्टम थ्री स्टेप टेक्निक है पहले हम एचिंग करते हैं देन प्राइमर अप्लाई करते हैं फिर एडेसिव यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन में बॉन्डिंग एजेंट की स्ट्रेंथ काफ़ी इंप्रूव हुई एंड फोर्थ जनरेशन आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है और कंपनीज इसकी जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ अचीव करने की कोशिश करती हैं मिड नाइनटीन के अंदर फिफ्थ जनरेशन बॉन्डिंग सिस्टम आया ये भी टोटल एच सिस्टम है पर इसमें एक स्टेप कम हो गया क्योंकि प्राइमर एंड एडेसिव को सिंगल बॉटल में कर दिया गया फिफ्थ जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट आज भी वाइडली यूज होता है एंड गुड अमाउंट ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आती है मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में नॉर्मली आर की पोस्ट ऑप्चुरेशन फिलिंग में इस बॉन्ड का इस्तेमाल करता हूँ पर इस फिफ्थ जनरेशन के बॉन्डिंग एजेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी और इसका कारण था रिमूवल ऑफ स्मियर लेयर जिसके कारण डेंटेनल टिब्यूल्स ओपन हो जाते हैं एंड डेंटेनल फ्लूइड इनबैलेंस हो जाता है क्योंकि फॉस्फरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वो काफ़ी डीप तक कैल्शियम रिमूव कर देता है पर प्राइमर इतनी डीप तक रिजन टैग भी नहीं बना पाता एंड एक गैप रह जाता है अब इस प्रॉब्लम को डील करने का एक रास्ता है कि स्मियर लेयर को या तो हम रिमूव ना करें या कम रिमूव करें सो so, लेट 1990s में सिक्स जनरेशन बॉन्डिंग सिस्टम आए जो सेल्फ एच सिस्टम है यानी बॉन्डिंग एजेंट ही एच करता है एंड फोस्फेरिक एसिड को यूज़ नहीं करते इस सिस्टम में प्राइमर को एसिडिक बना दिया गया जिसमें सारी स्मियर लेयर रिमूव नहीं होती एंड स्मियर लेयर को मॉडिफाई करके एडेशन अचीव की जाती है इस तरीके से रेजिंग टेक्टिब्यूल्स में कम दैप तक जा पाते हैं फिर अर्ली 2000 में सेवंथ जनरेशन बॉन्डिंग सिस्टम आया सिक्स जनरेशन में टू बोटल एंड टू स्टेप थे पर सेवन जनरेशन में सिंगल बोटल सिंगल स्टेप और सिक्स एंड सेवन जनरेशन में बस यही फ़र्क है पर सिंगल स्टेप से हम डेंटिस्ट बहुत खुश थे क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी बच गया पर टाइम के साथ पता लगा कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है एट स्टडी करके ये पता लगा डेंटिन के साथ स्ट्रेंथ तो सही है पर इनेमल के साथ स्ट्रेंथ कम हो गई है और इसका कारण ये यह था कि एसिडिक प्राइमर इनेमल को सफिशेंटली एच नहीं कर पाता एंड इनेमल पर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम रह जाती है सिक्स एंड सेवन जनरेशन में एक अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई इनेमल की बॉन्ड स्ट्रेंथ की कमी को दूर करने के लिए 2010 के बाद सेवन जनरेशन की मॉडिफिकेशन या एट जनरेशन बॉन्ड आया जिसको हम यूनिवर्सल बॉन्ड के नाम से जानते हैं इस बॉन्ड को हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है आज के टाइम में ये बॉन्ड डेंटिस्ट की फर्स्ट चॉइस है एंड ये टू स्टेप है मतलब हमें सिलेक्टिव एच करना है यानी सिर्फ इनेमल को एच करना है डेंटिन को नहीं एंड सेकेंड स्टेप में हम बॉन्डिंग एजेंट को यूज करते हैं एंड इस जनरेशन ने हमारी मोस्ट ऑफ द बॉन्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एंड आज के समय में, में ये बेस्ट जनरेशन है आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही आगे की वीडियो के अंदर हम यूनिवर्सल बॉन्डिंग एजेंट को डिटेल में समझेंगे और अगर आप बी डी एस इंटर्न है या बी डी एस पास आउट है और आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है जनरल डेंटिस्ट्री की हर वो छोटी छोटी चीजें सीखनी है तो जी डी एस डेंटल अकेडमी को ज्वाइन करें थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियो थैंक यू